सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल मोहित। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ETF को सेल करने के बाद कितना चार्जेस लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों का क्वेश्चन होता है कि DP चार्जेस कितना लगता है। अभी DP चार्जेस कितना लगता है इसका स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना के रखा है, लेकिन वो स्टॉक्स पे DP चार्जेस कितना लगता है वो मैंने बता के रखा है। लेकिन काफ़ी लोगों का डाउट है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ETF में तो ETF को बाय करते टाइम और सेल करते टाइम कितना चार्जेस लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ETF में अगर आप ETF को सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने बाय करके रखा और ETF को सेल कर रहे हैं तो कितना चार्जेस देना पड़ेगा। स्पेसिफिकली पूरा इन डेप्थ और लाइव बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एंजल फंड रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे A to Z वीडियोस मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे आपको वीडियोस लगेंगे और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियोस होने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, ये मेरा पोर्टफोलियो जिसमें आप देख सकते हो सारे स्टॉक्स अभी आपको दिख रहे होंगे। उसमें से आप यहाँ पे देखोगे तो गोल्ड बीज, अभी अभी मैंने गोल्ड बीज में SIP शुरू की है। यहाँ पे आप देखोगे तो 53 रुपीज़ के गोल्ड बीज था, अभी उसकी वैल्यू चल रही है 61 रुपीज़, क्योंकि आप सभी को पता है कि गोल्ड के रेट्स कितने हाई जा चुके, जिसके कारण ETF गोल्ड और सारे जितने भी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स है वो सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 5 क्वांटिटी गोल्ड बीज ETF में इन्वेस्ट करके रखा है। अगर मैं इसको सेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको क्लिक किया, अभी मुझे 42 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ओवरऑल गेन 267 रुपीज़ अभी तक मैंने इन्वेस्ट किए, जिसके अभी मार्केट वैल्यू हो चुके 310 रुपीज़। 5 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे खरीद के रखा है। तो चलिए मैं इसको अभी सेल करने जाता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे सेल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर अगर मैं 5 करता हूँ, मतलब पूरे क्वांटिटी अगर मैं सेल करता हूँ, ठीक है, कौन से प्राइस पे मुझे सेल करना है, तो यहाँ पे अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ, मार्केट पे सिलेक्ट करना है, तो नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेडेड वैल्यू कितना है हमारा, जो भी अगर मैं मार्केट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ तो 309.55 रुपीज़, और इस पे एंजल वन का ब्रोकरेज कितना लग रहा है, 0 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके एंजल वन पे ब्रोकरेज दिख रहा होगा 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, तो ये आपका एंजल वन का जो भी प्लान होगा, आपने जिस अकाउंट ओपन किए होंगे उसका अलग अलग प्लान होता है, ठीक है। वो ब्रोकरेज कैसे चेक करना है उसका स्पेसिफिकली वीडियो बना के रखा है, आप ज़रूर आई बटन में जाके चेक करिए। आज ही अपना ब्रोकरेज ज़रूर चेक कर ले, अगर ज़्यादा कट रहा है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में बता के रखा है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल चार्जेस भी आप देखोगे तो 0.01 रुपीज़। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखोगे तो मुझे क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस में, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लग रहा है, 0 रुपीज़, सेवी फीस कितना लग रहा है, 0 रुपीज़, और टैक्सेस में भी आप देखोगे तो मुझे कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। सिर्फ मुझे 0.1 रुपीज़ का यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा है, और साथ साथ इसमें आपको DP चार्जेस भी देना पड़ेगा। आप एक स्टॉक सेल करो, आप एक ETF सेल करो, आप 10 ETF सेल करो, जितने भी आप एट ए टाइम सेल करोगे तो आपको 23.60 रुपीज़ DP चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेबी का रूल ही है, आपको DP चार्जेस देना पड़ेगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग DP चार्जेस होते हैं। एंजल वन के DP चार्जेस मैंने बताया, आप एक क्वांटिटी भी सेल करते तो आपको 23.60 रुपीज़ DP चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। आप दिन में अगर एक बार सेल कर रहे हैं, दो बार सेल कर रहे हैं सेम ETF को या सेम कंपनी के स्टॉक को, तो आपको DP चार्जेस एक ही बार देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रोज़ कर रहे हैं सेल तो उस समय आपको रोज DP चार्जेस देना पड़ेगा। इसका स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है डिटेल में, आप ज़रूर वो चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टैक्स बहुत कम लग रहा है और साथ में DP चार्जेस, तो लगभग यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कितना है, 42 रुपीज़ का मुझे ओवरऑल गेन दिख रहा है। तो ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, मिनिमम 2 साल 5 साल के लिए, क्योंकि ETF बहुत ही अच्छा आने वाले समय में रिजल्ट देने वाला है और देता ही है। अप्रॉक्स आपको साल का 2 साल का दे सकता है 12 से 15% तक रिटर्न ये दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। आप ETF में इन्वेस्ट करोगे, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो उसके भी ETF ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, ज़्यादा नीचे नहीं आता है, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती रहती है।
तो चार्जेस आपने देखा कि कितने कम चार्जेस लग रहे। वही अगर मैं किसी स्टॉक को सेल करने जाऊँ, जैसे कि अभी जोमेटो का स्टॉक है मेरे पास, तो इसमें मुझे 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मैं इसको सेल करता हूँ, अभी मेरे पास 63 क्वांटिटी, अगर मैं इसको 63 क्वांटिटी को अगर मार्केट प्राइस पर अगर मैं सेल करता हूँ, और अगर आप चार्जेस देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा मुझे टैक्सेस भी अभी यहाँ पे देना पड़ रहा है। मतलब 12 रुपये इसका मुझे यहाँ पे चार्जेस देना पड़ रहा है, और साथ में 23 रुपये 60 पैसे का यहाँ पे मुझे डीपी चार्जेस भी देना पड़ेगा। ठीक है, अप्रॉक्स आप पकड़ के चलिए कि मेरा यहाँ पे 40 रुपये का टैक्स मुझे देना पड़ रहा है, चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं डीपी चार्जेस को लेके, एक क्वांटिटी लेने के बाद डीपी चार्जेस लगेगा नहीं लगेगा, लगता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, आज ही लेना आज ही बेचना है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, उसको जस्ट बाय और सेल करना बोलते हैं, जो कि गलत है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्पेसिफिकली थोड़ा पैसा 100 रुपये 200 रुपये से करिए, उस पर अगर आपको प्रॉफिट 50-100 रुपये का होता है तभी उसको सेल करिए, तभी आपको बेनिफिट दिखेगा वहाँ पे। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने 10 रुपये का स्टॉक लिया, उसको मैंने दूसरे दिन सेल किया तो मुझे 23 रुपये माइनस में कैसे चले गए मेरा अकाउंट, ये डाउट होता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि डीपी चार्जेस आपको देना होता है, तो डीपी चार्जेस आपका 23.60 रुपीज़ का होता है, 23.60 पैसा, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर बाद में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, तो अगर आपको और कभी और कुछ, तो गाइज अगर आपको और किसी टॉपिक पे डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका हूँ कि ETF को अगर आप सेल करना चाहते हो तो कितना चार्जेस आपको देना पड़ेगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।